अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर तारिम नयाब है और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन टॉपिक पर जो कि है फ्रोजन शोल्डर। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि फ्रोजन शोल्डर होता क्या है। बेसिकली जो हमारा शोल्डर जॉइंट होता है वो तीन बोन्स को मिला के वो जॉइंट बनता है। तो जो बोन्स होती हैं वो एक हमारी अपर आर्म की ह्यूमरस होती है, शोल्डर ब्लेड हमारी स्कैपुला बनाती है और क्लेविकल जो है वो हमारी कॉलर बोन होती है। तो जो टिश्यूज़ होते हैं वो बेसिकली मिलकर जब इन तीनों बोन्स को आपस में जोड़े रखते हैं तो वो बनाता है शोल्डर कैप्स्यूल। तो शोल्डर कैप्स्यूल बेसिकली फ्रोजन शोल्डर में ये होता है कि जो हमारे शोल्डर कैप्स्यूल होता है उसके अंदर बैंड्स ऑफ स्कार टिश्यूज़ बन जाते हैं और वो बहुत टाइट और थिक हो जाता है। और उसके अलावा उसके अंदर जो साइनोवियल फ्लूड, एक फ्लूड होता है जो हमारे जॉइंट को ल्यूब्रिकेटेड रखता है, वो फ्लूड भी लेस हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा शोल्डर जॉइंट टाइट और थिक हो जाता है। और उसके अलावा शोल्डर जॉइंट के अंदर जो हमारी मूवमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाती है। उसके अलावा इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा पेन होता है और स्टिफनेस हो जाती है। स्टार्टिंग में बहुत कम होती है लेकिन आहिस्ता 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 ये बढ़ती है और मैक्सिमम ये कभी साल ले लेती है, तीन साल लेती है ख़त्म होने में और ख़ुद ही ख़त्म हो जाता है। ज़्यादातर सिम्टम्स जो होते हैं वो नाइट में होते हैं, स्लीपिंग में बहुत मसला होता है। तो आज हम बात करेंगे कुछ स्ट्रेचेस और एक्सरसाइजेस पर कि हम किस तरीके से घर में फ्रोजन शोल्डर की फिजियो कंटिन्यू कर रख सकते हैं। और नंबर वन इज पेंडुलम स्ट्रेच। अब इस एक्सरसाइज में आपको करना ये होता है कि आप या तो टेबल ले लें या चेयर ले लें और अपना हाथ एक जो नॉन अफेक्टेड हाथ है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका सीधा हाथ अफेक्टेड है और उसमें आपको फ्रोजन शोल्डर है तो आप अपना जो उल्टा हाथ होगा, लेफ्ट हैंड, आप टेबल पर रखेंगे इस तरीके से कि आपकी कोहनी ना मुड़े, बिल्कुल स्ट्रेट रहे। और ये जो तरीका है गलत है, लेकिन इन दिस पिक्चर इसमें ये शो हो रहा है कि किस तरीके से आप अपने एल्बो को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे और बैक को बिल्कुल सही से आप इस लेवल पे रखेंगे। उसके बाद आपको क्या करना होता है कि जो आपका अफेक्टेड हैंड होता है उसको आप राउंड मूव करेंगे लाइक पेंडुलम। बेहतर ये होगा कि आप उसमें वेट रख लें, एक छोटी बोतल, आप अगर आपके पास वेट्स अवेलेबल नहीं है 1 kg के या 2 kg नहीं, हम 3 to 5 pounds रेकमेंड करते हैं, तो आप इसमें जो है वो पानी की एक बोतल छोटी उस हाथ पे इस तरीके से होल्ड करेंगे तो बेसिकली होगा क्या कि जो शोल्डर जॉइंट हमारा टाइट हुआ हुआ होगा उसमें ट्रैक्शन होगी। तो आप अगर वेट रख लेंगे और फिर पेंडुलम स्ट्रेच करेंगे, हाथ को इस तरीके से गोल गोल घुमाएंगे तो आपका ट्रैक्शन होगा और पेन रिलीव होगा। तो आप ये करेंगे एटलीस्ट 10 to 15 times। और सो दिस इज एक्सरसाइज नंबर 1, इट्स रियली इफेक्टिव। नंबर 2 इज टॉवल स्ट्रेच। तो टॉवल स्ट्रेच में व्हाट यू हैव टू डू, आप या तो टॉवल ले लें या इवन यू कैन टेक दुपट्टा और अ पीस ऑफ क्लोथ। तो उसको आप इस तरीके से बैक में दोनों हाथों से अप एंड डाउन पकड़ लेंगे और कोशिश ये करेंगे कि जो आपका अफेक्टेड हैंड होगा वो नीचे होगा और जो नॉन अफेक्टेड हैंड होगा वो इस तरीके से ऊपर होगा। फिर आप क्या करेंगे कि आप अपने नॉन अफेक्टेड हैंड जो ऊपर हाथ है उससे टॉवल को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, यू विल टेक इट अप। तो टॉवल को ऊपर जब लेके जाएंगे तो नीचे वाला हमारी इंटरनल रोटेट होगा, जो हमारा शोल्डर जॉइंट होगा नीचे वाले हाथ का वो इंटरनल रोटेट होगा। तो इस तरीके से टॉवल स्ट्रेच परफॉर्म किया जाएगा और ये एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उसके बाद हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3 विच इज़ फिंगर वॉक। इन दिस आपको क्या करना है कि आप किसी भी वॉल पे 2 fingers को आप स्पाइडर लाइक वॉल पे वॉक करवाएंगे और आप अप लेकर जाएंगे अपना हाथ जितना रिलैक्सली आप लेके जा सकते हैं और शोल्डर्स को बिल्कुल रिलैक्स रखना है और फिर उसके बाद आप उसको वापस नीचे लेकर आएँ। तो इस तरीके से आप फिंगर वॉक करेंगे, इसमें भी आपकी जो शोल्डर जॉइंट की रेंज होगी वो खुलेगी और ये एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा हेल्दी है। एक्सरसाइज नंबर 4 इज जिसमें आप इसको हम कहते हैं क्रॉस बॉडी रीच। इसमें आप बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होंगे और अपने नॉन अफेक्टेड हाथ से अफेक्टेड हाथ की एल्बो को सपोर्ट दे के हाथ को ऊपर इस तरीके से लेकर आएंगे अक्रॉस द बॉडी और फिर इसको बिल्कुल ऊपर लेकर आकर आप इसको अपने स्लाइटली सा स्ट्रेच देंगे और ये आपको शोल्डर स्ट्रेच करवाएगा और ये एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा हेल्दी है फॉर फ्रोजन शोल्डर्स। नाउ एक्सरसाइज नंबर 5 इज आउटवर्ड रोटेशन। इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें हम रेजिस्टिव बैंड्स जो आपको इजीली अवेलेबल होते हैं शॉप्स वगैरह पर आप ये ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो आप बिल्कुल परेशान ना हो क्योंकि इसका भी हमारे पास एक जस्ट इन केस, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है और दुकानें वगैरह सब बंद हैं तो आप फिलहाल क्या कर सकते हैं, यू कैन टेक इलास्टिक। तो इलास्टिक आप ऑब्वियसली हर घरों में मौजूद होता है तो उसको आप एक साइड से नॉट बांध के इस तरीके से राउंड
इलास्टिक आप लेंगे और फिर क्या करेंगे आप कि बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होकर इस तरीके से कि एल्बोज आपके 90 डिग्री पर हो और आपने दोनों हाथों के बीच में इस तरीके से उस बैंड को पकड़ लिया और फिर उसके बाद जो आपका अफेक्टेड हाथ होगा उसको आप बॉडी के आउटवर्ड लेके जाएंगे और फिर उसके बाद वहाँ पर आप 5 सेकेंड्स तक होल्ड करेंगे और फिर वापस से इनवर्ड लेकर आ जाएंगे। तो ये आपकी आउटवर्ड रोटेशन करवाएगा। एक्सरसाइज नंबर 6 इज इनवर्ड रोटेशन ऑफ द जॉइंट। तो इसमें क्या होगा कि आप उसी बैंड को जो आपने इलास्टिक से बनाया है, अगर आपके पास रेजिस्टिव बैंड आपने खरीद लिया है तो आप उसको क्या करेंगे कि एक डोर में आप जो डोर का हैंडल होता है उसका एक साइड डोर के हैंडल फिक्स कर देंगे और सेकेंड जो उसका साइड होगा उसको आप अफेक्टेड हैंड से इस तरीके से होल्ड कर लेंगे और फिर क्या करेंगे आप उस हाथ को अंदर की तरफ मूव करेंगे। तो ये होगा आपका शोल्डर का इनवर्ट रोटेशन और जब आप उसको अंदर की तरफ मूव कर लेकर आएंगे तो यहाँ पर आपको 5 सेकंड्स के लिए इसको होल्ड करना है और फिर उसके बाद वापस से बाहर। तो ये आपकी शोल्डर की इनवर्ट रोटेशन होगी। द लास्ट एक्सरसाइज इज पुली। पुली आप घर में खुद भी बना सकते हैं इफ नॉट अवेलेबल, तो आप क्या कर सकते हैं, एक सिंपल रोप ले लिया आपने और इस तरीके से डोर पर या किसी भी जगह पर इस तरीके से ऊपर हुक लगाकर और रोप को उस पर क्रॉस किया और फिर उसके बाद आप सिंपल या तो सिटिंग पोजिशन में या स्टैंडिंग पोजिशन के अंदर आप क्या करेंगे कि उसको इस तरीके से पकड़ लेंगे दोनों हाथों से। अब आपको क्या करना है कि जो आपका नॉन अफेक्टेड हैंड होगा उसको आप बेसिकली अफेक्टेड हैंड को लिफ्ट करेंगे। किस तरीके से, नॉन अफेक्टेड हाथ से आप पुली की एक साइड नीचे लेकर आएंगे तो जो आपका अफेक्टेड हैंड होगा वो खुद ब खुद ही ऊपर जाएगा और आपकी रेंज खुलेगी। तो आपका शोल्डर जॉइंट जो बिल्कुल टाइट हुआ है वो खुद ही ओपन होगा। हाँ, ये पेनफुल है तो इसलिए आपके जो टोटल कंट्रोल होगा वो नॉन अफेक्टेड हैंड से होगा कि आप उसके हिसाब से जितना पेन हो रहा है नीचे लेकर आएंगे, ऐसा ऐसा आपका पेन सबसाइड होगा। तो इसमें आप या तो आप बिल्कुल सामने की तरफ, जैसे हम शोल्डर फ्लेक्शन की पोजिशन में भी रख सकते हैं और साइड में भी इस तरीके से कर सकते हैं जिसमें शोल्डर एबडक्शन हो रही है। ये थी एक्सरसाइजेस और स्ट्रेचेस जो शोल्डर के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। और उसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप यू कैन डायरेक्टली आस्क अस। और अगर आपको कोई और टॉपिक सजेस्ट करना है एंड इफ़ यू वांट टू नो अबाउट द एक्सरसाइजेस फॉर दैट, तो आप वो भी हमें बता सकते हैं, हम ज़रूर उस पर काम करेंगे और आपके लिए वीडियोस बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर तारा नयाब। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।